हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पुणे इस कॉलेज के कट ऑफ्स के बारे में। तो देखिए गाइज, मेरे पास तीनों राउंड के कट ऑफ्स है, बट मैं बात करूंगा बस फर्स्ट राउंड के बारे में, क्योंकि अगर हम तीनों राउंड के बारे में बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा और किसी किसी के लिए वो बोर भी हो जाएगा, क्योंकि किसी किसी को स्पेसिफिक ब्रांच में ही इंटरेस्ट होता है इसलिए। तो देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज है और इसमें बहुत सारी कट ऑफ्स हैं मैंने देखा, तो अगर हम तीनों इसके डिस्कस करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाएगा और तीन राउंड में मतलब बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस आता है कट ऑफ्स में, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आता है। और इस साल ऐसा लग भी रहा है कि जो कट ऑफ है वो थोड़ा बढ़ने वाला है, क्योंकि इस बार सभी को ऑलमोस्ट अच्छे मार्क्स मिले हैं, तो इस बार कट ऑफ भी आगे बढ़ेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो 10th का रिजल्ट है वो सबका काफ़ी अच्छा लगा है। तो ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। तो ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पुणे, इसका जो कोड है अगर आपको देखना होगा तो ये है 6013। अगर आप सर्च करोगे PDF में तो ये सर्च करना, नहीं तो आपको ये जल्दी से दिखेगा नहीं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं होम डिस्ट्रिक्ट सीट्स, मतलब जो पुणे में रहते हैं उनकी कट ऑफ क्या जाता है। तो ओपन का जाता है 87.40%, ये उनके लिए जिन्होंने 10th पास करके अप्लाई किया, नहीं तो वो भी देख लेंगे जिन्होंने 12th पास करके डिप्लोमा ले रहा है, तो उनके लिए ये नहीं है। ओपन का जाता है 87.40, SC का जाता है 83, ST का जाता है 67 जो कि काफ़ी कम है, VJ का जाता है 83.40, NT1, NT2, NT इनका जाता है 85 से 84 तक, OBC का जाता है 84। देखिए OBC और ओपन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। फिर SC BC का जाता है 75, फिर इधर और भी बहुत सारे हैं जिसमें शॉर्ट फॉर्म्स लगा के आप देख सकते हो, बट जो मेन रहते हैं वो या मतलब जितने मैंने आपको बताया वही रहता है। फिर जो सेकंड बॉक्स है ये है होम डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल सीट्स अलॉटेड टू होम डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट्स, तो इसका ओपन का कट ऑफ जाता है 83.60 और ओपन एच का जाता है 76। तो इसके आगे TL और आगे में जो एच है उसका मीनिंग क्या होता है वो आपको नीचे दिया है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट सीट्स अलॉटेड टू अदर देन होम डिस्ट्रिक्ट, मतलब जो होम डिस्ट्रिक्ट की सीट्स रहती है जो बाहर के डिस्ट्रिक्ट वाले स्टूडेंट्स को मिलती है, तो उसका OBC का कट ऑफ जाता है 92 और जो SC BC का कट ऑफ जाता है वो जाता है 85। तो अदर डिस्ट्रिक्ट के जिन्हीं स्टूडेंट्स को पुणे का कॉलेज चाहिए तो उनको थोड़ा हाई स्कोर करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू होम डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट्स। फिर आता है अदर देन होम डिस्ट्रिक्ट सीट्स, तो इसका ओपन का जाता है 92, तो देखिए अदर देन का ज़्यादा जाता है, SC का जाता है 86, ST का जाता है 82, OBC का जाता है 90, तो ऐसा है। फिर है अदर देन होम डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल सीट्स अलॉटेड टू अदर देन होम डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट्स, तो इसका जाता है 69 ओपन ओ का और TLO BO BCO का जाता है 82। तो हम बेसिकली पहले तीन चार कॉलम ही देखेंगे, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स आते हैं, तो जिससे आपको बहुत कंफ्यूज हो सकता है। तो अब हम देखेंगे वन ऑफ द फेमस ब्रांच जो अभी है जिसका नाम है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो इसका कट ऑफ 90 के अब जा सकता है और जाता भी है। देखिए ओपन का जाता है 92, SC का जाता है 86, ST का जाता है 56, VJ का जाता है 73, NT2 फिर NT3 इनका जाता है 87 से 92 तक, OBC का जाता है 89। फिर होम डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट्स टू होम अलॉटेड टू होम डिस्ट्रिक्ट, इसका ओपन का जाता है 90, SC का जाता है 86, OBC का जाता है 81। फिर अदर देन होम डिस्ट्रिक्ट तो उनका थोड़ा कम जाता है। तो देखिए बहुत सारे दिए हैं, तो मैं आपको बस फर्स्ट रो ही बताऊँगा, नहीं तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न होगा आपको। तो देखिए अगर आपको पुणे का कॉलेज चाहिए और अगर आपको 90 के ऊपर मार्क्स मिलते हैं 10th में, तो आपको कंप्यूटर भी मिल सकता है इजीली और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल सकता है। फर्स्ट राउंड में अगर नहीं मिलता है तो सेकंड राउंड में इजीली मिल सकता है, सेकंड में नहीं मिलेगा तो थर्ड में तो कन्फर्मली मिल ही जाएगा। बट अगर इस साल का कट ऑफ ज़्यादा लगता है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, वो भी अगर आप कैटेगरी में आते हो तो नहीं आएगा, अगर आप ओपन में आते हो तभी प्रॉब्लम आएगा, कैटेगरी में आओगे तो नहीं आएगा ऐसा कोई प्रॉब्लम। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये भी मतलब कंप्यूटर की भाई बहन ऐसी बोल सकते हैं, अगर कंप्यूटर का 92 जाता है तो इसका 90 तो जाएगा ही। ओपन का है 90, SC का है 87, ST का है 73, फिर OBC का है 87। तो वही बोला कंप्यूटर IT अगर आपको लेना है तो 90 के आसपास स्कोर कर लोगे, अगर 85 के ऊपर भी करते हो तो मिलने के चांसेस रहते हैं, बट अगर 90 करते हो तो सेफर साइड में आपको मिल ही जाएगा ऐसा हम बोल सकते हैं। बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो इसका ये माइनॉरिटी सीट्स अलॉटेड टू माइनॉरिटी कैंडिडेट्स है, तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब एकदम इतने सारे रहते हैं कि
मतलब आपको बहुत कन्फ्यूजन होता है। फिर स्टेट लेवल नॉन टेक्निकल सीट्स, तो ये हम देखेंगे। इलेक्ट्रिकल का तो ओपन का कट ऑफ जाता है 90, ओबीसी का जाता है 88, एसईबीसी का जाता है 89, फिर ओबीसी का जाता है 89। देखिए बहुत सारे दिए। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन पहला है माइनॉरिटी, तो माइनॉरिटी को छोड़ देंगे क्योंकि उनका बहुत ही कम जाता है। स्टेट लेवल अगर देखेंगे तो जाता है इसका ओपन का 91, इलेक्ट्रिकल एंड टेली कम्युनिकेशन का एससी का जाता है 84, एसटी का जाता है 54 और ओबीसी का जाता है 88। ये होम डिस्ट्रिक्ट का है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन का। ओपन का जाता है 86, एसटी का जाता है 53, एससी का जाता है 74, ओबीसी का जाता है 82। तो देखिए अगर आपको इलेक्ट्रिकल में कुछ करना है तो आपको 85 के आसपास, मतलब 80 के अबव आपको स्कोर करना पड़ेगा, तो आपका थर्ड राउंड तक इजीली लग सकता है। और अगर आप 85 के अबव करते हैं, मतलब 90 और 85 के बीच में स्कोर करते हो, तो आपको इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में से कोई भी एक ब्रांच इजीली मिल सकती है। फिर अगर बात करते हैं मैकेनिकल की, जो पहले बहुत ही ट्रेंडिंग में रहता था, तो इसका ओपन का कट ऑफ जाता है 90, एससी का जाता है 83, फिर ओबीसी का जाता है 86। तो ये 85 टू 90 में वैरी करता है, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में थोड़ा कम हो जाएगा इसमें। तो देखिए बहुत सारे आपको देखने मिल रहे हैं। फिर मेटलर्जी इंजीनियरिंग अगर आपको करना है तो इसका स्टेट लेवल जाता है ओपन टीजी ओपन का 79। अगर हम बात करें होम यूनिवर्सिटी की, तो इसमें होम यूनिवर्सिटी का नहीं दिया है, स्टेट लेवल की सीट्स का कट ऑफ दिया है। और ड्रेस डिज़ाइनिंग एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पे दिया है, तो ये सीट्स लेवल नॉन टेक्निकल सीट स्टेट लेवल की है, इसका 82 ऐसा जाता है। तो देखिए हम कंक्लूड कर देंगे, मैं आपको मतलब शॉर्ट में बता देता हूँ समरी। तो देखिए अगर आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पुणे में कंप्यूटर या फिर आईटी ब्रांच चाहिए, तो आप अगर 90 के आसपास स्कोर करते हो तो आपको इजीली मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में अगर आपको चाहिए होगा, तो आपको 85 से 90 तक स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप 87, 86, 84 भी कर लेते हो तो आपको मिल सकता है, तो ऐसा है। और अगर मैकेनिकल में भी वही जाता है, ड्रेस डिज़ाइनिंग और मेटलर्जी में थोड़ा कम जाता है, तो वहाँ पे अगर आपको 80 के आसपास भी मिलते हैं तो वहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है सेकेंड एंड थर्ड राउंड। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज। अगर आपको इस कॉलेज से रिलेटेड या फिर कोई भी कॉलेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या फिर क्वेश्चन होता है, तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं ज़रूर आपके क्वेश्चन को आंसर करूँगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।